गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ वॉज योर दिवाली वेकेशन? आई होप यू फुल्ली एन्जॉय दिवाली एंड अल्सो कम्प्लीट योर होमवर्क. माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किल्ला पाड़ी, एंड टुडे वी आर टॉक अबाउट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम we are discuss about some natural sources and some man-made sources of fuel like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel and compressed natural gas means CNG. Then we discuss about combustion. What is combustion? A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. And then we discuss about fuel. The substance that undergoes combustion is said to be combustible, and it also called a fuel. Okay, then we discuss about some combustible substance and some non-combustible substance like wood, paper, iron nails, kerosene oil, stone piece, straw, charcoal and matchstick, then glass. Okay, then we discuss about flammable and inflammable substance. Okay, so what is inflammable? The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. An example, petrol, alcohol, liquid petroleum gas means LPG. Okay, now we discuss about how do we control fire. Hum fire ko control kaise kar sakte hai. Okay, so friends, aapne bahut sari jagah pe dekha hoga ki फायर मीन्स आग लग जाती है. ओके, लाइक होम, शॉप्स, फैक्ट्रीज, देन मार्केट में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे फायर होता है, आग लग जाती है. एन एग्जांपल, सूरत में लास्ट टाइम अभी बहुत बड़ी फायर लगी थी जिसमें ट्यूशन क्लासेस में बच्चे फंस गए थे एंड जहां पे बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो गई थी. ओके, सो फायर मीन्स आग लगने के बहुत सारे सोर्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, वुड में जो आग लगती है, पेपर में लगती है, पेट्रोल डीजल से आग लगती है. ओके, सो बहुत सारी जगह पे आग लगती है, मीन्स फायर होता है. नाउ फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, the first thing to do is to call the fire service. Means, आपको क्या करना है, आपके एरिया में जो फायर ब्रिगेड है उसका नंबर फाइंड आउट करना है. एंड अगर आपके घर पे या आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी आग लगे तो आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स of the fire service. Now, next, the most common fire extinguisher is water. But water works only when things like wood and paper are on fire. Means, extinguisher means ki fire control karne ka jo कॉमन सोर्स है वो क्या है, वाटर. वाटर से हम इजीली फायर कंट्रोल कर सकते हैं. बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. वुड एंड पेपर पे जो फायर लगती है उसमें ही ओनली वाटर जो है वो काम आता है. बट इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर. मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी हो एंड उस पर वाटर हम डाल दें, तो वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, यस, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर. तो उससे क्या होगा, जो
वाटर सप्लाई कर रहा, मींस वाटर फायर पे अप्लाई कर रहा है, तो उसे भी शॉर्ट लगने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो इसलिए क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है उस पे वाटर अप्लाई नहीं करते। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन ऑयल एंड पेट्रोल, बिकॉज ऑयल एंड पेट्रोल जो है उस पे अगर हम वाटर अप्लाई करेंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है पेट्रोल से, सो वाटर नीचे चला जाएगा एंड पेट्रोल से जो आग लगी है वो कंट्रोल नहीं होगी। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल? मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर क्या है, ऑयल से हैवी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है ऑयल से पेट्रोल से। ओके, पेट्रोल, ऑयल, कैरोसिन, ये सबसे वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, मीन्स वो हैवी है ऑयल से। इसके लिए क्या होगा, ऑयल नीचे वाटर नीचे चला जाएगा एंड ऑयल ऊपर होगा, तो उसकी वजह से ऑयल जो है वो टॉप पे आ जाएगा एंड वो आग कंट्रोल में नहीं होगी, फायर कंट्रोल नहीं होगा। सो इट सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, मीन्स वाटर क्या होगा, नीचे चला जाएगा एंड ऑयल टॉप पे आके वो बर्न होने लगेगा। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। मीन्स अगर इलेक्ट्रिकल आग लगी है या फिर पेट्रोल डीजल पे, मीन्स इनफ्लेमेबल मटेरियल पे आग लगी है, तो वो किससे कंट्रोल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से। प्लीज अंडरलाइन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट इंटिग्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। CO2 बींग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। जैसे हम क्या करते हैं, कॉमनली जो फायर होता है तो हम क्या करते हैं, उसे ब्लैंकेट से ढक देते हैं जिससे कि उसे ऑक्सीजन ना मिले एंड क्या होगा, फायर कंट्रोल में हो जाएगी। सो CO2 भी क्या करता है, ब्लैंकेट का काम करता है, वो फायर को कवर कर लेता है एंड ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है जिससे कि फायर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल्ड। द एडेड एडवांटेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ओके, सो CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है फ्यूल से, वो ऑक्सीजन और फ्यूल का जो कांटेक्ट है वो कट ऑफ कर देता है, मींस ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होने देता जिससे कि फायर कंट्रोल में हो जाती है एंड CO2 जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्मफुल नहीं है। इसके लिए CO2 मोस्ट मींस बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। ओके, नाउ हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कैसे करें? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। सो फ्रेंड्स, आपने इस तरह के रेड कलर के सिलेंडर्स देखे होंगे स्कूल में, ऑफिस में, या फिर अपार्टमेंट में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एरिया है लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मामलेदार ऑफिस, या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, देन ट्यूशन क्लासेस, स्कूल्स, सभी जगह पे आप इस तरह के सिलेंडर्स देखे होंगे। ओके, यहाँ पे ए बी सी नाम भी दिया गया होता है जिसमें कि वाटर होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीन्स कौन सा सिलेंडर किस फायर पे आप अप्लाई कर सकते हो वो उस पे लिखा होता है। ओके, इन व्हाट फॉर्म इज द एलपीजी स्टोर इन सिलेंडर्स? सो एलपीजी किस फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर किया जाता है? व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड इन नॉर्मली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। सो इट डज नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट
अराउंड द फायर इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, दैट इज वाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर इंटिग्रेटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ओनली ब्लैंकेट का काम नहीं करता, बट वो जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर डाउन करता है, जिसकी वजह से फायर कंट्रोल में आ जाती है। अनदर वे टू गेट सीओ टू इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर, दिस केमिकल्स गिव ऑफ सीओ टू। ओके, सो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स भी है लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स हम जो बेकिंग सोडा यूज करते हैं, एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो कि फायर पे अप्लाई करने से फायर कंट्रोल में आती है। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू वी कंट्रोल फायर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।